हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मंजूर हुसैन एंड यू वाचिंग जीएस शॉप। सो गाइस, अभी हम चिकन लाया है और चिकन बनाने जा रहे हैं। मैं खुद बनाने जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा थोड़ी सी हेल्प लेके बाकी खुद बनाने की। ये जला दिया गैस, गैस में ये जो अभी कढ़ाई में जो पानी है ये सूखेगा, फिर हम डालेंगे तेल इसमें। बनाने जा रहे थे, अब इसमें शिफ्ट कर रहे तेल को, इस तेल को उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। इतना तेल काफी है? डालना पड़ेगा और बहुत है। प्याज वाला बनाना है सिंपल फ्राई जो होता है वो, उसमें तो ये तेल प्याज कम है क्या? तेल अब पक चुका है, अब डालेंगे इसमें प्याज। सबर करो तो। क्यों? गैस बंद किया, थोड़ा ठंडा होने तो, फिर ऐसे वो ज्यादा छींटे पड़ती है ना। नहीं पड़ती, पड़ती है, मेरे को पता है ना, फिर किचन में भी गंदा। प्याज डालो बीच में, डालो ना। ये एक तरफ प्याज और एक तरफ गाजर का हलवा बन रहा है। बना नहीं है, गर्म हो रहा है सिर्फ यहाँ पे। ये कब तक रखना? जब तक पूरा ना ला लो। और ये हमारा गाजर का हलवा परोसा जा रहा है डब्बे में। खोया नहीं है इसके लिए? खोया खो गया लबे। तो सही बना हुआ है। इस तरह प्याज भी लाल हो रहा है। टेस्ट करने ऐसी मजेदार, अच्छा बना। कैसा बना बताना? ओ अच्छा, मजा आ। दोस्तों हले प्याज पकना लगा है, थोड़ा सा टाइम लग सी तब तक पकना है, फिर मैं तुम्हें दसना आगे नहीं कारवाई इसके पासा के टेस्ट वास्ते कड़े मसाले पाना। सिंपल ही बना सा, लेकिन जो जो पाया तुम्हें दसा, तब तक जुड़े रहो, मिलने हैं थोड़ी देर पर जब तक पक जाना है सारा। नमक डाल दिया, अब ज्यादा जल्दी से लाल हो गई। तो अभी इसमें हम मसाले डालेंगे, साथ में चिकन डालने लगे। धनिया इसमें इसलिए डाला क्योंकि ये साथ में अब क्या होता रहेगा, फ्राई होता रहेगा मसालों के साथ साथ ये भी। ये भी एक तरीका है बनाने का, जैसे मर्जी आप बनाओ बन सकते हैं। क्या तरीका? चिकन बनाने का। तो गाइस अभी वो रख दिया है यहाँ पे, अभी मैं अंदर आया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कर रहे रिजवान क्या? दादू का बिस्तर ठीक है, डाल डाल दिया। ठीक है, धूप में रखा हुआ था। ओके, तो अभी देखते हैं कि कितना बना है, चेक करते हैं इसको फिर से, ये बना है कि नहीं।
तो अभी फिलहाल के लिए अभी ये फ्राई हो रहा है, इसको अभी लगभग टाइम लगेगा मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट के बीच में हो चुका है। अभी हमने टमाटर डालने हैं इसमें, हरी मिर्ची डाल इतना ये स्वाद अनुसार आपने नमक डालना है अपने हिसाब से। कश्मीरी मिर्च रंग के लिए डाली जाती है, तो अभी डालेंगे चिकन मसाला 1 टीस्पून के ऊपर। हम डालेंगे अब कस्तूरी मेथी ये खुशबू के लिए, इससे खुशबू बड़ी जबरदस्त आती है। अब इसको हम मिक्स करेंगे, ये सारे मसाले जितने भी थे हमने अपने हिसाब से डाल दिए, तो अब इसको हम मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मीट के बीच में चिकन के पीसेस के बीच में घुल जाए और इसमें टेस्ट अच्छा आए। तो अभी हमने जितने भी मसाले थे वो सारे के सारे इसमें डाल दिए हैं। अभी ये मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए रेड के लिए रख देंगे। रेड मीन्स जो मसाले हैं इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे, हीट अच्छे से लगेगी और मीट भी जो चिकन के पीसेज हैं वो भी पक जाएंगे अच्छे से। तो उसके बाद हम, अब ये ऑलमोस्ट बन चुका है तो उसके बाद हम खाएंगे और आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना। तो अभी ये सलाद के लिए हम मूली काट रहे हैं, तो बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं, अभी अवेलेबल यही था तो ना ही मार्केट से लाया आज, तो सिर्फ यही हम खाएंगे। अखरोट की चटनी कहाँ से लाई? मम्मा ने बना के दिया, वो टेस्टी है, आपने खाई नहीं? ना, टेस्ट करना ना। मूली, ये जो मूली है ये एक्चुअल में देसी मूली है, गांव की है। हाँ। लोकल नहीं है इसलिए इसका बहुत ज्यादा टेस्ट अभी आ रहा है, मिर्ची वाली बहुत ज्यादा है। इतनी नहीं मिर्ची है इसमें? नहीं, मुझे लग रही है। और साथ ही में चटनी रखेंगे, फिर आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा चिकन बना है। साथ में हम खाएंगे क्या, राइस चावलों के साथ चिकन खाएंगे। एक्चुअल में मैं चाहता था कि रोटियां बनाए, अभी टाइम नहीं है एक्चुअली, बहुत ज्यादा अभी 3 बज चुके हैं तो लेट हो चुके हैं, इसलिए फुल्का बनाना पॉसिबल नहीं है। वो हैं पे चावल से ही, फ्रेश चावल से ही खाएंगे, ताजे चावल जो अभी बने, उसमें टेस्ट अलग आएगा, मजा आपको टेस्ट करके बताएंगे। लगभग ये बन चुका है, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। कलर इसमें देखने को मिल रहा है, ये लाल मिर्च का, कश्मीरी मिर्च का। तो अभी थोड़ा इसको और पकने देते हैं और फिर उसके बाद आपको टेस्ट करके बताते हैं। अभी हमने थोड़ा सा टेस्ट किया कि कैसा टेस्ट आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें धनिया ज्यादा बढ़ गई है। ओ शुक्र आपने धनिया बोला, मुझे याद आया अभी हरी धनिया भी डालनी है इसमें, उसका टेस्ट ही अलग होता है, बड़ा टेस्ट अच्छा, देसी धनिया है ना वो, बड़ा टेस्टी होता है वो। लेकिन इस धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस धनिया का ज्यादा टेस्ट आ रहा है ना। क्या मतलब? तुमने टेस्ट किया ना अभी, कैसा आ रहा है? मिर्ची वाला ज्यादा आ रहा है टेस्ट? ठीक है, मिर्ची नॉर्मल है, नमक भी ठीक था, लेकिन धनिया का मुझे ज्यादा, वो जो गोल गोल वाली छोटी छोटी धनिया होती है उसका टेस्ट लास्ट में ज्यादा आ रहा है, फ्लेवर उसको भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। देसी धनिया अभी हम इसमें डालेंगे ताकि इसमें स्वाद और ज्यादा आए। एक और मूली का पीस खा लेता हूँ मैं इस चटनी के साथ। काट रही हूँ,
खुद कह रहा हूँ। तो ये सूखा सूखा बन चुका है भैया। अभी इसको लगने वाला धनिया अभी कितना टाइम लगेगा? इसको लगेगा 10 मिनट। तो ये हमारा दस्तरखान लग चुका है। ये है मूली, ये है कौन सी चटनी थी? अंजार, अंजार। चटनी कौन सी? अखरोट की चटनी। ये सब्जी और ये है चिकन। अभी ये बन चुका है फाइनली, आप देख सकते हो। और ये साथ में दाल और हम राइस के साथ खाएंगे। अभी मेरी प्लेट फाइनली रेडी हो चुकी है। साथ ठीक है तो टेस्ट करके बताता हूँ इसका। एक लेग पीस, मजेदार बना हुआ है, मसाले भी सही मिक्स हुए हैं। यार धनिया का अब टेस्ट कम हो गया, क्यों वो दूसरा धनिया पता नहीं डाला है ना। बहुत टेस्टी बना, मजेदार है। अब हम इसको खा के फिर मिलते हैं। तब तक